हेलो दोस्तों, आज किस वीडियो में बात करेंगे पांच ऐसी गन्ना किस्मों के बारे में जो कि रिलीज गन्ना किस्में होंगी, जिनका जो है आप इस सीजन गन्ना बुआई करके जो है अच्छा जो है उत्पादन ले सकते हैं, और इनका जो उत्पादन है वो भी अच्छा है। इसके साथ साथ इसमें जो है बीमारियां भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी, और सभी फैक्ट्रियाँ भी जो हैं वो इसको किसान भाइयों गन्ने को खरीद रही होंगी। तो ये गन्ना किस्में कौन सी हैं जिनकी आप जो है इस सीजन बुआई कर पाएं, इसके बारे में जो है आज के इस वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। बात करते हैं नंबर पाँच पे, हमारी जो गन्ना किस्म है वो है हमारी CO 16030। जैसा कि आप गन्ना जो देख पा रहे होंगे, ये 16030 गन्ना किस्म का गन्ना है जो रिलीज गन्ना किस्म है, और गन्ने की जो मोटाई है वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। हाई यील्डिंग वैरायटी है, यानी कि काफ़ी अच्छा जो है आपको ये पैदावार निकाल कर देगी। जैसा कि आप गन्ना देख पा रहे होंगे, ये है CO 16030 गन्ना। ये जो गन्ना किस्म है किसान भाइयों अर्ली में नहीं है, ये सामान्य गन्ना किस्म के तौर पर जो है हमारे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के लिए जो है रिलीज की गई है। यदि आप अर्ली गन्ना किस्मों के साथ साथ एक आधी अगर आप सामान्य गन्ना किस्म भी लगाएं तो आपको काफ़ी अच्छा जो है ये बेनिफिट दे के जाएंगी, क्योंकि इन गन्ना किस्मों में जो है एक तो पैदावार देने की अधिक क्षमता होती है, इसके साथ साथ इनमें बीमारियां आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगी। यानी कि एक तो आपकी लागत काफ़ी कम आएगी, इसके साथ साथ इसमें जो है आपको बीमारियाँ भी जो है नहीं देखने को मिलेंगी। यानी कि हमेशा जो है यदि आप किस्म लगाएं तो उसमें एक आधी सामान्य गन्ना किस्म को जरूर आप जरूर मेंशन करें। ये जो गन्ना है बिल्कुल आपको 38 से भी जो है अधिक उत्पादन देकर जाएगा, क्योंकि जिन किसानों के पास भी ये लगा है सभी का यही कहना है कि इसमें जो है वजन बहुत अच्छा है, क्योंकि मोटाई ज़बरदस्त है। हल्का इसका कलर 15023 जैसा आपको देखने को मिलेगा, परंतु ये 15023 के मुकाबले काफ़ी हार्ड गन्ना है, और एक रिलीज गन्ना किस्म है, यानी कि फैक्ट्रियाँ इसको लेती हैं, परंतु आपको मैं जैसे बताया कि ये जर्नल किस्म का गन्ना है। यदि आप इसको लगाते हैं तो आपको जितनी भी इस समय प्रेजेंट में चल रही हैं अर्ली गन्ना किस्में उनकी तुलना में हो सकता है कि आपको अधिक ही जो है उत्पादन देखने को मिले, वो भी कम लागत में। यानी कि यदि आप इसको लगाते हैं तो आपको जो है उत्पादन संबंधी कोई भी जो है दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और यदि हम लोग बात करें इसकी औसत पैदावार की, तो इसकी औसत पैदावार भी जो है तकरीबन 400 क्विंटल एकड़ की है। यदि आप अच्छा प्रबंधन रखेंगे तो आप जो है इसको किसान भाइयों 450 से लेकर के 500-550 क्विंटल आराम से जो है हर साल काट सकते हैं। यानी कि ये किस्म जो है कम लागत में काफ़ी अच्छा जो है आपको उत्पादन देने की क्षमता रखती है। नंबर चार पे जो है गन्ना किस्म ऐसे क्षेत्रों के लिए है जहाँ पे जलभराव की समस्या होती है। जरूरी नहीं कि आपके यहाँ जलभराव हो तभी आप इस किस्म को लगाएं, वैसे भी आप लगा सकते हैं। और इस किस्म का सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही कम लागत आपसे मांगेगी। जो भी पहले किस्म लॉन्च हुई थी साथी में इसके 17231, उससे अगर इसकी तुलना करते तो उससे इसका जो है रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। और मध्य मोटाई गन्ना होता है, बहुत ही कम लागत मांगता है, और इसकी आप जो देख पा रहे होंगे ये पीढ़ी गन्ना है, और इसकी जो देख रहे होंगे इस तरह का ये गन्ना जो है कुलख 15466 का होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इसकी जो औसतन पैदावार है एकड़ की वो तकरीबन आपको 300 से 350 क्विंटल देखने को मिलेगी। यदि आप अच्छा प्रबंधन रखेंगे तो आप इसको 400-450 क्विंटल भी जो है आराम से काट सकते हैं। नंबर तीन पे जो हमारी गन्ना किस्म है वो है CO 15023। यह गन्ना किस्म एक ऐसी गन्ना किस्म है जो कि हल्की भूमियों में भी जो है बहुत ही अच्छा जो है रिस्पॉन्स देती है, और इसका जो गन्ने का वजन है वो आपको काफ़ी जो है अच्छा देखने को मिलेगा। यानी कि इस किस्म को यदि आप लगाते हैं तो आपको जो है ज़्यादा लागत जो है लगाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु तो इस वैरायटी में एक सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये अधिक गिरती, जैसा कि आप ये देख भी पा रहे होंगे ये अधिक गिरती है। इसके साथ साथ जहाँ पे जंगली जानवर ज़्यादा होते हैं तो ऐसे क्षेत्र में आप इसको ना लगाएं, क्योंकि ये नरम गन्ना होने के कारण जो है इसको जंगली जानवर जैसे कि सियार वगैरह जो है ज़्यादा किसान भाइयों नुकसान पहुंचाते हैं। तो यदि आपके यहाँ जंगली जानवर नहीं हैं तो आप जो है इस किस्म को लगा सकते हैं, और ऐसे किसान जो कि अपने गन्ने को जूस में बेचते हैं या फिर गुड़ के लिए गन्ना लगाते हैं, तो वैसे किसान जो है इस किस्म को लगा सकते हैं। यहाँ पर हल्कियाँ ज़मीनें हैं, हल्की ज़मीन में भी जो है आप इस किस्म को लगा सकते हैं। इस किस्म का जो औसतन पैदावार क्षमता है वो 350 से लेकर के 400 क्विंटल है। यदि आप इसको गिरने से बचाए रखें और अच्छी प्रबंधन रखते हैं तो आप इसको 500 से 550 क्विंटल भी जो है एकड़ का आप काट सकते हैं। नंबर दो पे जो हमारी किस्म है वो है कोलख 16202, जो भी हाल ही में जो हमारे भारतीय गन्ना संस्थान लखनऊ के द्वारा जो है अर्ली गन्ना किस्म पे जो है स्वीकृत हुई है। इस गन्ना की सबसे बड़ी बात यह है कि इस गन्ने की जो मोटाई है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। जैसा कि आप ये गन्ना देख पा रहे होंगे, ये कोलख 16202 गन्ना किस्म का गन्ना है, और इस गन्ने किस्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि गन्ना जो है काफ़ी अच्छी मोटाई रखता है। इसके साथ साथ
गन्ने की जो लंबाई है वो भी काफ़ी अच्छी जो है आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आप ये गन्ने जो देख पा रहे होंगे वीडियो में, ये कोलख 16202 गन्ना किस्म के गन्ने हैं और सभी गन्ने जो हैं काफ़ी मोटे हैं, जैसा कि आप ये वीडियो में देख पा रहे होंगे। और इस मोटाई के साथ साथ गन्ने की जो लंबाई है वो भी काफ़ी अच्छी, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो गन्ना है कोलख 16202 के हम लोग प्लाट में खड़े हैं। और ये जो इसके करेक्टरिस्टिक्स अभी तक लग रहे हैं कि ये प्रजाति जो है काफ़ी जो है अच्छा उत्पादन देकर किसानों को जाएगी। तो यदि आप इस गन्ना किस्म का कहीं आप बीज पाते हैं तो आप इसको थोड़ा बहुत जो है इस साल लगाकर जो जरूर देखें, यानी कि इसका आप बीज जरूर बनाएं, क्योंकि इस किस्म में जो उत्पादन देने की क्षमता है वो अन्य काफ़ी किस्में जो हैं इस समय अर्ली में चल रही उनसे काफ़ी अधिक जो है आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रजाति की जो मोटाई है वो काफ़ी अच्छी है। जैसा कि आपको मैं दिखाऊं तो ये सब देख रहे होंगे जितने भी गन्ने हैं सब काफ़ी अच्छे जो है मोटाई रख रहे हैं और बहुत ही लो काष्ठवती, यानी कि ऐसा कहें कि ये ज़्यादा खाद पानी नहीं चाहती, जैसे कि आपकी 0238 वैटी थी बिल्कुल आपको ऐसे ही जो है इसका पैदावार देखने को मिलेगी। अभी इसकी जब हम लोग हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपको बताएंगे कि इसकी जो है पैदावार कितनी निकल के आई, परंतु अभी तक जो इसके कैरेक्टरिस्टिक लग रहे हैं उस हिसाब से जो है प्रजाति किसानों के लिए भविष्य में काफ़ी अच्छा जो है साबित हो सकती है। ये जो प्रजाति है आप देख रहे होंगे ये कोलख 16202 है, जो कि अगेती गन्ना किस्म के तौर पे जो है लॉन्च हुई है। नंबर एक पे जो हमारी गन्ना किस्म है वो है हमारी कोशा 13235। जैसा कि आप इसका ये प्लाट जो देख पा रहे होंगे ये पीढ़ी गन्ने का प्लाट है और ये जो प्लाट है ये कोशा 13235 का है। इस गन्ना किस्म की सबसे बड़ी खास बात यह है कि बहुत ही कम लागत में बहुत ही अच्छा जो है उत्पादन निकाल कर देती है। हाल ही में देखा गया है कि इस किस्म का जो क्षेत्रफल है सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश में हो चुका है, क्योंकि सबसे अधिक जो है इस गन्ना किस्म की जो है बुआई किसान भाई कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में, क्योंकि लगभग सभी जगह जो है इस किस्म से जो है काफ़ी किसान भाई संतुष्ट हैं। और ये देखा जाए, यदि इसका गन्ना मैं आपको दिखाऊं तो इसका गन्ना आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। इसमें पहले जो है हल्का आंखें जमने की अधिक दिक्कतें देखने को मिल रही थी, परंतु धीरे धीरे जो है ये किस्म जो है क्लाइमेट में एडजस्ट कर चुकी है और अच्छा आपको उत्पादन देख के जाएगी यदि आप इस साल भी इस किस्म को आगे बढ़ा के लगाते हैं। और इसके साथ साथ यदि इस बात करें इसकी पैदावार क्षमता की, तो इसकी जो औसत उत्पादन क्षमता है वो 350 से लेकर के 400 क्विंटल एकड़ की रहती है। यदि आप अच्छा प्रबंधन रखेंगे तो आप इसको 500 से लेकर के 550 क्विंटल जो है निकाल सकते हैं। अच्छी मोटाई है गन्ने की, अच्छी लंबाई है, इसके साथ साथ लो कॉस्ट वैरायटी यानी कि बहुत ही कम लागत में जो है आपको अच्छा उत्पादन जो है किसान भाइयों कोशा 13235 गन्ना किस्म जो है निकाल कर देगी। ये एक अगेती गन्ना है यानी कि अर्ली किस्म का गन्ना है, जिसकी मोटाई भी अच्छी है, आपको लंबाई अच्छी देखने को मिलेगी, लेबर भी जो है इसको काफ़ी अच्छे ढंग से जो है छोलते हैं, क्योंकि इसकी जो सूखी पत्तियाँ हैं वो बहुत ही जल्दी जो है गन्नों से किसान भाइयों छूट जाती हैं। तो यानी आप इस सीजन जो है गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं तो आप जो है 13235 को जो है बड़े रकबे में जो है इस साल लगा सकते हैं। यदि आपको कोई नया गन्ना किस्म का लगाना है तो आप जो है जो 16202 गन्ना है उसको आप एक बार जरूर ट्राई करके देखें, क्योंकि 16202 की जो गन्ने की मोटाई है वो 13235 गन्ने से भी आपको अधिक देखने को मिलेगी और लंबाई जो है बिल्कुल आपको 13235 जैसी ही गन्ने की देखने को मिलेगी और लो कॉस्ट वैटी आपको वो भी जो है देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के ये थी कुछ जानकारी, यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। धन्यवाद।